बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम माई नेम इज़ गुलनास हसन एंड आई एम अ टीचर ऑफ क्लास नर्सरी फ्रॉम शावर मॉडल स्कूल नौशहरा कैंपस। डियर स्टूडेंट्स, हाउ यू ऑल? होप यू ऑल विल बी गुड। डियर स्टूडेंट्स, आई एम हेयर एंड इट्स योर समर वेकेशन टास्क अगस्त 2020। बिफोर स्टार्टिंग माई लेक्चर, सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर वीडियोज। Today we will read about subject general knowledge and lecture number 1. So students, we will revise 4 questions in this lecture and our topic is myself and my body. So students, do you know who is he? He and he? Yes, he is Motu and Patlu. And now look at this. Yes, who is? Yes, it's Tom and Jerry. Its name is Tom and its name is Jerry. तो स्टूडेंट, जैसे हर एक चीज़ का कोई ना कोई नाम होता है, इसी तरह हम सब इंसानों का भी कोई ना कोई नाम होता है। तो इसी तरह हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ योर नेम, यानी आपका क्या नाम है। यहाँ पे आप सब बच्चों ने, जब भी आपसे टीचर पूछेंगी तो आप सब बच्चों ने अपना अपना नाम बताना है यहाँ पे। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मुझसे कोई पूछता है कि व्हाट इज़ योर नेम, तो मैं उनको बताऊँगी कि माई नेम इज़ गुलनास हसन। इसी तरह आप सब ने अपने अपना नाम बताना है। सो और फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ योर नेम, ओके। And the second question is, how old are you? यानी आपकी उम्र कितनी है, आप कितने साल के हैं। तो यहाँ पे आपने बताना है, मैक्सिमम बच्चे जो हैं नर्सरी के बच्चे 5 to 6 ईयर के होते हैं, 4, 5, 6 इस तरह से होते हैं। तो अगर जो बच्चे 4 ईयर्स के हैं तो वो आंसर करेंगे कि आई एम 4 ईयर्स ओल्ड। इसी तरह जो बच्चे 5 ईयर्स के हैं वो कहेंगे आई एम 5 ईयर्स ओल्ड। और इसी तरह जो बच्चे 6 ईयर्स के होंगे वो कहेंगे आई एम 6 ईयर्स ओल्ड। यानी इस ब्लैंक में आपने सिर्फ वही ऐड करना है जो आपकी एज होगी, वही नंबर ऐड करना है। अगर आप 5 के हैं 5 ऐड करें, 6 के हैं 6 ऐड करें, जितने भी ईयर के हैं आपने यहाँ पे वही नंबर ऐड करना है। सो और क्वेश्चन नंबर 2 इज़ हाउ ओल्ड आर यू। एंड द थर्ड क्वेश्चन इज़ इन विच क्लास डू यू रीड, यानी आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं। तो ये तो सब बच्चे जानते होंगे कि हम कौन सी क्लास में पढ़ते हैं। तो आपने इसका आंसर करना है आई रीड इन नर्सरी। आई रीड इन नर्सरी। इन विच क्लास? इन नर्सरी। इन विच क्लास डू यू रीड? आई रीड इन नर्सरी, यस। एंड द फोर्थ क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ योर स्कूल, कि आपके स्कूल का क्या नाम है। ये तो ज़्यादातर बच्चे जानते होंगे कि आपके स्कूल का क्या नाम है, आप जिस स्कूल में अभी पढ़ रहे हैं स्कूल का क्या नाम है। तो आपने यहाँ पे आंसर करना है द नेम ऑफ माई स्कूल इज़ पेशावर मॉडल स्कूल नौशहरा कैंपस। क्या आंसर करना है? द नेम ऑफ माई स्कूल इज़ पेशावर मॉडल स्कूल नौशहरा कैंपस। सो स्टूडेंट्स, आज के ये आपके 4 क्वेश्चन थे जीके बुक में पेज नंबर 1। ये आप देख सकते हैं पेज नंबर 1 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ा, व्हाट इज़ योर नेम। यहाँ पे आपने आंसर करना है माय नेम इज़ डैश, जो भी आपका नेम होगा वो बताना है। एंड द सेकंड क्वेश्चन इज़ हाउ ओल्ड आर यू, कि आप कितने साल के हैं। यहाँ पे आपने अपनी एज बतानी है, आई एम 6 या 4 या 5 ईयर्स ओल्ड, जो भी आपकी एज है। एंड द थर्ड क्वेश्चन इज़ इन विच क्लास डू यू रीड, कि आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं। सो इट्स आंसर इज आई रीड इन नर्सरी। एंड द फोर्थ क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ, सो आवर फोर्थ क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ योर स्कूल। सो इट्स आंसर इज द नेम ऑफ माई स्कूल इज पेशावर मॉडल स्कूल। यहाँ पे आपने अपने स्कूल का नाम बताना है। होप स्टूडेंट्स कि आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियोज़।